हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आंवला कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होने के साथ साथ हमारे शरीर के अनेकों रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसे जिस भी रूप में खाया जाए ये फायदा ही करता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सीटा होने के कारण हमें खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। आज मैं आपको आंवला से बनने वाली एक ऐसी लॉन्च बताऊंगी जिसमें ना ही आपको चीनी का यूज़ करना है, ना ही गुड़ का यूज़ करना है, और ये मात्र 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी और फिर आप उसे से साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लेकिन लॉन्च बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो फ्रेश आंवला लिया है। फ्रेंड्स, देखकर आंवला लीजिएगा, इसमें कोई दाग या छेद ना हो, कच्चे बिल्कुल एकदम कच्चा आंवला लीजिएगा। अब इसे एक स्टीमर में पानी गर्म होने रख देंगे और उसके ऊपर एक जाली लगाकर हम सारे आंवला को जाली के ऊपर रख देंगे ताकि हमारे आंवला स्टीम में अच्छे से गल जाएं। सारे आंवला को ऐसे ही 10 मिनट के लिए स्टीम होने रख देंगे। तब तक हम कुछ मसाले तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी कलौंजी, 7 से 8 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है। थोड़े से मैंने सूखे मसाले लिए हैं जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा, एक चम्मच सादा नमक और एक चम्मच ही मैंने काला नमक लिया है। फ्रेंड्स, काला नमक डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ ये लॉन्च का टेस्ट भी दुगना कर देता है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा। आधा चम्मच हींग और ये मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम अपने आंवला को चेक करते हैं। देखिए, 5 से 7 मिनट बाद आंवला गल थोड़े से कच्चे हैं, अभी ये पूरी तरीके से गले नहीं है, इसमें चाकू डालने पर थोड़ा परेशानी से अंदर जा रहा है, इसलिए मैं इसे 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। टोटल 10 मिनट में आंवला हमारे अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए आंवला अच्छे से गल गए हैं, आराम से इसमें नाइफ घुस रहा है, सारे आंवला अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। इसे हम बाहर निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब इनकी हम सारी फाकों को अलग कर लेंगे, एक एक पीस इसका अलग कर लेंगे, ये आराम से अलग हो जाता है। ये देखिए मैंने सारी आंवला की गुठलियाँ अलग कर ली हैं और इसके पीसेस निकाल कर अलग कर लिए हैं। देखिए मैंने सारे आंवला के पीसेस को अलग कर लिया, गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब आज मैंने अपनी लॉन्च को ना ही गुड़ में बनाया और ना ही चीनी में, ये देसी खांड है इसमें मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, चीनी और गुड़ से बनी हुई लॉन्च इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी खांड में बनी हुई होती है। एक कढ़ाई में मैंने 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उससे डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सारे खड़े मसाले उसमें डाल देंगे और मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। एक हींग इसमें सारे का हींग भी डाल देंगे और अब इसमें अपनी लॉन्च अपनी आंवला के पीसेस को डाल देंगे और अब इसे हमें 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भूनना है ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इसे साल भर तक स्टोर करके भी रखना है, इसलिए इसमें मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सारी आंवला को इसी तरीके से हम भून लेंगे। अब इसमें मैं अपनी खांड को डाल दूँगी और जैसे मैं खांड को अच्छी तरीके से आंवला में मिक्स कर देंगे, जैसे जैसे आंवला पकता जाएगा वो खांड मेल्ट होती जाएगी। अब इसमें हम अपने सारे पिसे हुए मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी अच्छे से चीनी के साथ पक जाएं, वरना मसालों की कचाइंद आएगी। सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकने देंगे।
फ्रेंड देसी खांड में बनाई हुई लौंग बहुत फ़ायदा करती है। आंवला तो कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता ही है, साथ ही साथ खांड में भी बहुत अधिक कैल्शियम होता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो सके तो खांड का ही यूज़ कीजिएगा लौंग बनाते समय। और ये देखिए सारी खांड अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसका कलर जैसे जैसे ये खोलता जाएगा ये गाढ़ी होती जाएगी, क्योंकि आंवला वैसे ही का रंग कलर बहुत छोड़ता है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका रंग डार्क होता जाएगा और हमें इसे पूरी तरीके से सुखाना नहीं है, इसे गाढ़ा ही रखना है। ये देखिए लौंग अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पूरी तरह ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसे 5 से 6 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब आप इसे किसी कांच के बर्तन में जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो उसमें स्टोर करके रख लीजिए और साल भर तक इसका यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स इस तरीके से आप आंवला 1 या 10 भी खा जाएंगे एक दिन में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ आंवला को खा लिया है। तो एक बार ज़रूर बना के रखिए और साल भर स्टोर करके रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।